हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, जल्दी बनने वाली ये मसाला स्टफ भिंडी, जो बहुत इजी है बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिए हमने फ्रेश भिंडियाँ, जिनको हमने टॉप से कट करके और टिप से कट करके बीच से स्लिट कर लिया। आप देख सकते हो, पहले ऊपर आपको टॉप हटाना है, यानी कि ऊपर का हटाना है, फिर नीचे का टिप जो है वो रिमूव करना है, और बीच से जो है आपको स्लिट करना है। पूरा कट नहीं करना, हल्का सा स्लिट देना है। इस तरीके से सारी हमने भिंडियाँ रेडी कर ली थी, और यहाँ पे जो है हम मसाला रेडी कर रहे हैं, जिसके लिए हमने लिया है ज़ीरा। हमने एक चम्मच ज़ीरा लिया है, इसको अच्छे से भून लेना। जब अच्छे से ये भुन जाएगा, फिर इसमें करेंगे थोड़ी सी अजवाइन और काली मिर्च। उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद गैस कर देंगे ऑफ, सिर्फ कुछ सेकेंड्स में ही, ज़्यादा नहीं भूनना। उसके बाद इसको अच्छे से जो है ब्लेंड करके स्मूथ हमने एक मसाला रेडी कर लिया है। अब स्टफिंग के लिए मसाला रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे लिया थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि ब्लैक पेपर था तो इसलिए कम डालें। धनिया का पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके, नमक टेस्ट के हिसाब से, थोड़ा सा गरम मसाला, और ये जो मसाला हमने पीसा था वो एक चम्मच, बस एक चम्मच ही यूज़ करेंगे। इतनी भिंडियों के लिए इनफ था, और जो हमने भिंडियों को स्लिट किया था बीच से, इसको अच्छे से हम फिल कर देंगे मसाले से। और यहाँ पे हमने कढ़ाई में भी ऑयल चढ़ा दिया, मस्टर्ड ऑयल में बनाएंगे। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है, उसके बाद हमने भिंडियों को अच्छे से कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने, जब ऑयल गर्म हो गया, तो हल्की सी हींग डाली है, थोड़ी सी दैट्स इट, और भिंडियाँ जो हमने मसाला भरा था उसको ऐड करके मिक्स करके ढक दिया। इसको आपको ढक के पकाना है, पानी नहीं डालना जब तक कि गल ना जाए। 4 से 5 मिनट लगते हैं, हम देख सकते हैं, हम चेक करके देख लेते हैं, हम गल ये तो ठीक है, वरना हम दोबारा ढक देंगे इसको। और जैसे गल चुकी है, बिल्कुल बन के रेडी है, इसको निकालेंगे। रोटी परांठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, गेस्ट के लिए भी परफेक्ट रेसिपी, जरूर ट्राई कीजिएगा। स्कूल लंच बॉक्स में आप देख सकते हो।